ठीक है। This call is now being ओके, recorded. अब हम बात करते हैं कि आप सभी को मैंने बताया था पिछली क्लास में अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था। बोलिए, CH2N+2 लास्ट में क्या ऐड कर प्लस देते थे, एन को ऐड कर देते थे, ठीक है। और अल्कीन था तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। CnH2n+2. हाँ, तो इसके बाद हमारे पास क्या लास्ट बचता था, यानी कि ई। और आज की क्लास में बात करेंगे अल्काइन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n-2. लास्ट में क्या ऐड कर देना है, YN. चलिए अब नाम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास C एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। याद रखिएगा कि कार्बन की कभी भी चार से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, कार्बन की कभी भी चार से ज्यादा क्या हो सकती है, वैलेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, हमने आपको बताया था वन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ। और तीन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। और चार कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन. और पांच कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, छह कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, आठ के लिए ऑक्टेव, आठ के लिए ऑक्टेव, और नाइन के लिए सर नॉन नॉन, और टेन के लिए डैक। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, इनके लिए लिखते थे। यहाँ पे कितने कार्बन है, दो, तो दो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथ। सर और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, आई, इसका सर ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, सी ट्रिपल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3, तो इसका नाम क्या होगा, बोलिए। प्रोपाइन. हाँ, अब कार्बन को नंबरिंग करेंगे, जिधर साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आए उधर से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन. ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। पहले सिंपल ही लिखते हैं, ब्यूटाइन. हाँ ब्यूटाइन, पहले नहीं, पहले ब्यूटाइन, ठीक है। CH3 CH, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा डिफिकल्ट करें, डिफिकल्ट करें। यस सर, यस सर। अच्छा मान लेते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए तो क्या कहोगे इसको, इसका नाम क्या होगा, बोलिए। सर प्रोपाइन, अब देखिए डबल सर ट्रिपल थ्री बॉन्ड प्रोपाइन, पोजीशन पे है, थ्री नहीं। प्रोपाइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। थ्री अब जब प्रोपाइन, देखिए डबल बॉन्ड टू पे भी है, थ्री पे भी है, डबल बॉन्ड किस पे है, टू टू पे भी है एंड थ्री पे। तो आप जो है क्या कीजिएगा, जो छोटा वन, वैल्यू है उसी को आप क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट टू आयन। नहीं, अच्छा इसको ना कई जगह ऐसा भी लिखा रहे थे, मिलेगा टू ब्यूट आयन,
तो चीजें जो है बिल्कुल सेम ही है, यानी कि इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। जनरली आप इसी वाले तरीके को फॉलो कीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे चल के यही आपको काम आएगा। ये अभी टेंथ तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब हायर नॉमिनेचर कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आपके लिए CH3CH ट्रिपल बॉन्ड सी एंड C1 2 3 4 5 एंड CH2। अब इसका नाम क्या होगा बोलिए? पेंटुआइन। क्या हो जाएगा? पेंटुआइन। कोई कहेगा कि सर यहां से नंबरिंग करूं, 1 2 3 क्या नंबरिंग सही है? नो सर। किधर से नंबरिंग करेंगे? ये वाला नंबर सही वाला क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, या कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। थोड़ा मिला जुला दे, थोड़ा मिला जुला। अब देखिए मिला जुला, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH एंड CH3 एंड और यहाँ पे CH3, इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ पे नंबरिंग में आपके सामने दिक्कत आ रहा है कि सर किसको प्रायोरिटी दे, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, मिथाइल ग्रुप भी आ गया, तो आप प्रयास कीजिएगा कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी देना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पे मिथाइल ग्रुप, यानी किसको CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप, और कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। और कितने पे आयन है, यानी कि पेंटुआइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ, मैंने कहा कि जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी थोड़ी कम होती है ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दिया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पे है, यहाँ पे भी 2 पे, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पे इस ग्रुप को हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबरिंग साइड से, 1 2 3 4 5, और यानी कि क्या हो जाएगा, 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल, और पेंट यानी कि 5 कार्बन है, और 2 पे आयन है तो क्या हो जाएगा, पेंटुआइन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया था पिछली क्लास में? सर करवाया था। कि जब सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी कि मेन चेन में जो कार्बन नहीं रहता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, जो है अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ एक कार्बन था इसलिए मिथाइल ले लिए, 2 कार्बन होता तो इथाइल ले लेते, 3 कार्बन होता तो प्रोपाइल ले लेते। ठीक है, जैसे एक और सिंपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 एंड आपके लिए क्या लिख दूं, CH3, और यहां से 2 हटा के हमने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब देखिए चाहो तो CH2 ही जो है CH3 लिख दिया यहाँ। अब डबल बॉन्ड आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, दोनों दो दो पे, तो यानी कि इस बार किसकी प्रायोरिटी होगी, इसकी 1 2 3 4 5। 4 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। और कितने कार्बन है, यानी कि पेंट यानी कि 1 पे, तो यानी कि जरूरत नहीं है आपको लिखने की। क्या हो जाएगा इस टाइप का, आपको सिंपल टाइप के जब भी आएंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे क्लोरीन हो तो क्लोरो लिखिएगा,
ब्रोमीन हो तो ब्रोमो लिखिएगा, आयोडीन है तो आयोडो लिखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, सर ब्रोमो, ब्रोनो, ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो क्या लिखेंगे, आयोडो, आयोडो, क्लोरीन होगा तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो। इस प्रकार से क्या करना, जब कब, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होगा, ठीक है, और जब आपके पास अल्कोहल होगा तो OH ग्रुप अगर जब नहीं दिखता है तो उसको याद रखना वो ग्रुप कैसा होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, यहाँ पर कैसा ग्रुप होगा, अल्कोहल, अल्कोहल, हाँ जी सॉरी सर फिर से बताना, अल्कोहल। मैंने कहा कि जैसे CH3 और OH ग्रुप दिख जाए तो यानी कि कैसा ग्रुप हो गया, ये अल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक है। और अगर ये कार्बन पे डबल बॉन्ड OH दिख जाए तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, अल्डिहाइड ग्रुप कह देंगे, ठीक है, देंगे अल्डिहाइड ग्रुप। आपको एक अच्छा सा टेबल बना लेता हूँ फ्लोर इन चारों के लिए, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोनल, कार्बोक्सिलिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेज ऐड करते हैं ताकि कि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन एंड यहाँ पे निम्न, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप के, यह है जनरल रिप्रेजेंटेशन, और यहां पे लास्ट में क्या ऐड करेंगे, सफिक्स, ठीक है। हम पहला लेते हैं फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, जो है अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल, अल्कोहल को जनरल हम लोग लिखते हैं आर ओ एस से, आर यहाँ पे क्या है, कोई कार्बन वाला ग्रुप होगा, लास्ट में यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, ऑल ऐड कर देते हैं, अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आप क्या ऐड कर दीजिएगा, ऑल। अगर मेरे पास अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड, एक बार फिर से रिपीट करना ऊपर से, हाँ मैंने कहा ये जो है ना ग्रुप आपको पहचानना होगा, कैसे पहचानते हैं, ये आपको याद रखना कि लास्ट में क्या दिख रहा है, OH दिखेगा तो अल्कोहल, हाँ OH दिख जाएगा तो अल्कोहल हो जाएगा। अगर वो ऐसा दिख जाए COH, ऐसी चीज को ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा RCOH, तो ये कैसा ग्रुप हो जाता है, अल्डिहाइड, अल जोड़ दे, आर का क्या मतलब है, आर का मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है, C2H5, CH3, C3, यानी कि जितने भी कार्बन है कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आर का मतलब बेसिकली अल्कलाई, अल्काइल होता है। अब हम बात करते हैं कीटोन, तो कीटोन जो होता है वो कैसा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, तो हम लोग क्या कह देते हैं, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, ऑन, ठीक है, ऑन, हाँ ऑन, जैसे वहां पे आयन जोड़ते थे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ऑन, यहाँ पे वन नहीं पड़ेगा, इसको ऑन कहते हैं, ठीक है, कीटोन, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास क्या बच गया, कार्बो ऑक्सिलिक, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, लास्ट में क्या करते हैं, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। आप इन चारों को याद रखिएगा, अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं, आर ओ एच के साथ जोड़ते हैं, अल्डिहाइड के साथ क्या जोड़ते हैं, आर सी ओ एच या आर डबल बॉन्ड। अब अंतर देखिएगा थोड़ा सा, इन तीनों को अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एच को हटा के आर कर दिया तो कीटोन बन गया,
एच को हटा के ओ एच जोड़ दिया तो क्या बन गया, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन गया। अल्कोहल भी याद ही हो जाते हैं। सर अंजलि कुछ पूछना चाहते 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 बोलिए अंजलि। सर एक्चुअली जो फोर्थ लाइन है वो रिपीट करना। ओके मैं एक बार फिर से समझाता हूँ सर, हमें क्या करना है कि आपको जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं ना उसकी इंटायर प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर जो कोई डॉक्टर बन जाएगा तो डॉक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, उसी तरीके से ये सारे जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं उसकी इंटायर प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, जिस कारण से ये क्या हो जाते हैं कि इनका जो है एक अलग से जो है इनका वो ग्रुप बन जाता है। ये अल्कोहल का ग्रुप है। अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, तो हम देखेंगे आर ओ एच यानी क्लास में ओ एच है तो अल्कोहल हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच या आर सी ओ एच है, अच्छा इसको ना आर सी ओ ओ एच भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह देंगे ये अल्कोहल ग्रुप है, समझ जाओगे। इस प्रकार से कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यहाँ पे आर ग्रुप जोड़ दीजिए कोई भी, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू किया जाए एग्जाम्पल। यस सर। मेरे पास है CH3 and OH, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए, मिथेनॉल। अब देखिए ओ एच है तो अल्कोहल ग्रुप है तो मिथ, और एक कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं मिथ, और अल्कोहल यानी कि क्या जोड़ेंगे ऑल, यानी कि मिथेनॉल हो जाएगा, यानी कि मिथेन में से ई ओ हटा दीजिएगा और उसकी जगह पे क्या जोड़ दीजिएगा ऑल को जोड़ दीजिएगा, यानी किस प्रकार से क्या बन गया मिथेनॉल। अगर मैं कहूं कि मुझे बताइए कि C2H5 आपका कंबाइन आ जाएगा ना, कंबाइन आप लोगों को पढ़ना नहीं, CH3 CH2 एंड OH, इसका नाम क्या हो जाएगा सर इथेनॉल। इथेनॉल वेरी गुड, अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे इथेनॉल कह देंगे। अच्छा इसका जो है मिथेनॉल को कंपनी में यूज किया जाता है, ठीक है। कई लोग जो है ना आप लोगों ने सुना होगा कि ये लोग मर गए वो एक्चुअली क्या होते हैं कंपनी में इस मिथेनॉल को पी लेते हैं, तो आजकल कंपनी क्या करती है उसमें प्रिडीन मिला देती है। प्रिडीन क्या होता है बहुत ही गंदा स्मेल होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं डी नर्चर कहते हैं। डी नर्चर क्या होता है, एडिशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन द अल्कोहल इज नोन एज डीनर्चर प्रोसेस या डीनर्चरेशन कह देते हैं। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, डीनर्चर का मतलब क्या होता है कि अल्कोहल में वो भी किसमें मिथेनॉल में, क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि मिथेनॉल भी जो पीने वाला जो होता है वो कौन सा होता है इथेनॉल होता है, और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन क्या होता है फंगस से जो है उसको क्या करते हैं यानी कि जो है कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि मिथेनॉल को जो पीते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि थोड़े अमाउंट में पियोगे तो अंधे हो जाओगे, ज्यादा अमाउंट में पियोगे तो क्या हो जाता है डेथ हो जाता है। इसीलिए सुने होंगे कि दारू पी के आदमी सोया और सुबह उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक्चुअली क्या होता है आजकल जो कहते हैं जहरीली शराब वो यही मिथेनॉल होता है। इथेनॉल को क्या किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक है, इसको जो है क्या किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस में, और इस इथेनॉल को ज्यादा देर तक ढक्कन खोल के नहीं रखना चाहिए। उसमें भी कितना परसेंट होता है जो 14% होता है, जो दुकान में मिलता है वो 14% अल्कोहल होता है, 14% मतलब 100 ग्राम में 14 ग्राम जो है क्या होगा इथेनॉल होगा, बाकी क्या होगा पानी होगा, और सी का जो है दाम उनसे ले लिया जाता है। ओके ठीक है, अब अगर इसको देखिएगा जो अगर किसी ने देखा होगा कोई पीता ना झट से ढक्कन बंद कर देता है, इसलिए नहीं बंद कर देता कोई ले लेगा, उसमें अगर ऑक्सीजन के साथ चले जाएगा तो वो पॉइजनस बन जाता है, ठीक है। ओके अब ये सीख गए, अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 एंड OH, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन से जो है क्या करना है
ई हटा के जो है बोल, याद रखना वॉवेल जब दो आते तो कभी भी साथ में नहीं रखते, एक वॉवेल को हटा देते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा मैं एक और सिंपल देता हूँ, फिर एक जो है थोड़ा सा अच्छा सा दे देता हूँ, फिर हम लोग जो है अगला बात करें। सी एच थ्री सी एच टू एन सी एच टू एन ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर मैं इस अल्कोहल को ना थोड़ा घुमा दू, थोड़ा जो है कार्बन टू कार्बन अब किनारे किनारे रहते रहते थक गया होगा, तो मैंने थोड़ा सा इस OH ग्रुप को हटाया और इसको कहां ले गया? बीच। अब इसका नाम क्या होगा? याद रखना कि इन जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखे ना, इन सभी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। अब प्रायोरिटी का मतलब ऐसे समझे कि एक, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि आप लोग जो है ना बड़े होके जो है कोई डॉक्टर बन गया, ठीक है, कोई IAS बन गया। मैं यहाँ पे ना पुलिस का एग्जांपल लेता हूँ ताकि कि आपको जो है समझ जाए। अब देखिए मैं ठहरा कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल समझते हो? यस सर। यस सर। हाफ पैंट वाले सर। यस सर। अब तो फुल पैंट हो गया है क्योंकि पैसा बढ़ गया, उनको भी फुल पैंट दिया जाता है। पहले हाफ पैंट में रहते थे कांस्टेबल, ठीक है, ओके। अगर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में किसको प्रायोरिटी दीजिएगा? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल। ओके, वेरी गुड। अगर हेड कांस्टेबल से ऊपर क्या होता है? इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। तो अगर सब इंस्पेक्टर एक जगह आया और एक जगह हेड कांस्टेबल आया, लोग किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? सब इंस्पेक्टर के सामने इंस्पेक्टर आ गया, अब किसको प्रायोरिटी देंगे लोग? इंस्पेक्टर। इसके अंदर क्या आ गया? जो है सुपरिंटेंडेंट पुलिस, पता नहीं कौन कौन से पुलिस होते हैं आप लोग इतने, वही कहा कि सबसे ज्यादा जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में भी अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल अपना इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 and 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं? फिनोल, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो 3 पे इसी लिस्ट को क्या लिखेंगे? पेंटेन थ्री ऑल लिखेंगे। क्या समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं, अब दूसरा पढ़ते हैं। हमारे पास कौन सा था? एल्डिहाइड। अब हम जो है एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। एल्डिहाइड, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? CH3 और सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम क्या होगा? अच्छा पहले एक सिंपल सा बना ले। मिथेनॉल सर। मिथेनॉल। मिथेनॉल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल सर। मिथेनॉल। मिथेनॉल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? मिथेनॉल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए हम क्या जोड़ते हैं? अल ग्रुप जो है क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल हो जाएगा। मिथेनॉल। अब हमने क्या करा कि CH3 CH2 ज्यादा क्यों भाग रहे हैं अभी? सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल। मिथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है। आपको देखना है कि CHO ग्रुप दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? अल्डिहाइड है। CHO ग्रुप दिख जाए तो क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड COH, बोले इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ये क्या कहते हैं? कहो, यानी कि जो है अल्डिहाइड क्या कहता है? कहो, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाए
तो हम लोग किसे क्या कहेंगे, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल वेरी गुड, आपको ब्यूटेनल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, CH3 CH2 and CH2 CH2 and COOH, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पेंटेनल। हमेशा याद रखिएगा कि एल्डिहाइड जो है ना हमेशा कॉर्नर में आएगा, बीच में नहीं आता। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कब आएगा, कॉर्नर में आएगा, कॉर्नर बीच में नहीं आता है, ये इस बात को याद रख लीजिएगा। अब हम थर्ड वाला बात करते हैं, आप लोगों को सीखने मिल गया होगा। अब हमारे पास क्या था, कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन ग्रुप की हम बात करते हैं। कीटोन ग्रुप क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर हो जाता है, बोलिए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन। ओके, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, और ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए, प्रोपॉन, मिथोन, मिथोन। 3 कार्बन है तो प्रोप, और ग्रुप कहाँ पे है, अगर मैं कहूँ इसका नाम बोलिए क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और ये कीटोन हमेशा कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। एल्डिहाइड कहाँ रहा था, किनारे में, जबकि ये कहाँ पे आएगा, हमेशा बीच में आएगा, सब बीच बीच। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटू ऑन हो जाएगा। इसका नाम बोलिए, CH3 CH2 CH2 and CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, लास्ट में एक और लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, थ्री हेक्सॉन भी जा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोले क्लियर है यात्रा। अब हम बात करते हैं कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, अब हमारे पास क्या है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखू सी डबल बॉन्ड, इसको इसी तरह से लिखा भी जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। अगर मैं लिखू एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा,
मिथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड क्या नाम हो गया इसका, यानी क्या लिखते हैं मिथेन, और यानी कि ओइक एसिड है जिसका नाम क्या पड़ गया मिथनोइक एसिड। ओके अब यहाँ पे देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है अब अगर मैं तीन कार्बन वाला दे दू CH3 CH2 एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके अभी आप अभी को एग्जांपल दूंगा आपको पहचानना होगा मिक्स, अभी तुम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे ही दूंगा तो फिर आपको जो है सभी को मिला के बनाना होगा। ठीक है अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ CH3, ये भी हमेशा किनारे में आता है, ठीक है टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, CH2 सी और जो है CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेन ब्यूटेनोइक 1 2 3 4 अच्छा सॉरी पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब आपको मिला जुला क्वेश्चन दो आप लोग ट्राई कीजिएगा। यस सर, यस सर, ओके सर। अब आपको आपको खुद ही पहचानना है और जो बना ले वो रेजेंड करना है। जैसे पहला मैं दे देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा देता हूँ, मेरे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोल सर प्रोप थ्री नोल। ओके और कोई बताना चाहेंगे, अप्सरा बताइए सर, प्रॉप तीन ऑन, राज बताइए सर, मैं बताऊं प्रॉप थ्री एल, राज बताइए, अच्छा राजेंद्र है सॉरी राजेंद्र, आप बताइए क्या नाम होगा सर, प्रॉप। चलिए सबसे पहले बताइए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, कीटोन, यानी कि 1 2 3 के लिए क्या लिखते हैं सर, प्रॉप, और कितने पे है, टू। ठीक है यानी क्या हो जाएगा, प्रॉप टू हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि CH3 CH2 एंड COH, इसका नाम क्या होगा, रेज हैंड कीजिएगा जो बना ले, प्रोपेनॉल मेरी सुनिए, मैंने क्या कहा था कि अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हो तो उसको एल्डिहाइड कहिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड के साथ हो तो उसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल। अब एक बच्चा अल्कोहल, सर हमें कैसे पता लगेगा कि डबल बॉन्ड है, हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कराएंगे, मैंने कहा कि कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है, फोर बनाना होता तो ये कैसे बनाएगा, जीरो कीटोन और ये एच, देखिए कार्बन 1 2 3 4 यानी कि कुल हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये अल्डिहाइड है, ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये अल्डिहाइड है, तो यानी कि 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप,
और प्रॉप यानी कि कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड है, तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। हाँ अगला। हाँ बोलिए अंकिता, अनीश कुछ पूछना है? सर हमने तो हैंड रेज नहीं किया। ओके जिनका था। ओके हाँ बोलिए अनीश। सर ये पहले से हो गया था। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप मुझे बताइए CH3 CH2 एंड CHOH। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल नहीं है, ऑल है, अल्कोहल ऑल नहीं है, ऑल है, ओएल। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अगर मैं सैटिस्फाइड कराऊं, देखिए कैसा बनेगा, CH3 CH2 एंड कार्बन पे दो बॉन्ड एंड OH के साथ, अगर जो OH होगा तो अल्कोहल ग्रुप होगा, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C। चलिए पहले मैं एक OH दे देता हूं, आप लोग उसका नाम लिखिए, मतलब दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O C 2H5। ठीक है, तीसरा ग्रुप दे देते हैं CH3 एंड C, हमारे पास क्या है, H2 एंड CHO। अब इस तीनों का नाम लिखिए। ओके बोलिए सर। पहले का इथेनॉइक एसिड। वेरी गुड, इसका नाम कितना हो जाएगा, 1 2 कार्बन है, इथेनॉइक एसिड। पहले इथेनॉइक ऐसा लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे मैंने मर्ज करके लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ये तो है C2H5 को, मैं ऐसा लिख सकते हैं, मैंने पहले क्या करा था, कंबाइन के फॉर्म में लिख दिया था। yes, अब इसको मैंने क्या कर दिया। हाँ बोलिए राज, राजेंद्र। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूट टू ऑन, इसको वन नहीं पढ़ते, कीटोन ऑन पढ़ते, इसीलिए जो इसको ऑन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि कि आपको थोड़ा बहुत जो है समझ में आ जाए। ओके यहाँ पे वही चीजें हैं, अगर अल्काइल हैलाइड है तो यानी कि कुछ इस प्रकार से होगा, ROH को अल्कोहल कहते हैं, यानी कि इस तरह से नाम लिखा हुआ है, CH3OH को क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और C2H5 को इसका कॉमन नाम है, हम लोग जो नाम लिखे थे वो कौन सा नाम लिखे थे, आइपेक ने। यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है वो क्या नाम लिखा है, कॉमन नेम। क्या होगा, कॉमन नेम और आइपेक नेम में क्या अंतर होता है, तो कॉमन नेम जो होता है ना, जैसे कि आपका स्कूल का नाम होगा कुछ, वो आईपीएक नेम है, और घर में कुछ और कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं एक का नाम ले लेता हूँ, जैसे किसी का नाम है राजेंद्र, तो घर में उसको राजू कहते होंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से कई लोगों को ऐसा कहा जाता है। अब जैसे वंशिका, वंशिका को वसु कहते होंगे या जो भी कहते होंगे, इसी तरह से कहते हैं ना, शॉर्ट में कहते कि नहीं।
बोलिए यस सर। उसी तरीके से जो घर वाला नाम है, अगर जैसे सी एच थ्री ओ एच दिखे तो आप उसको क्या कहेगा, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। वहां पे हम लोग कहते थे मिथेनॉल और किथनॉल, इथेनॉल। ठीक है, अगर आर सी एच ओ दिख जाए तो उसको हम लोग कहते थे एल्डिहाइड। जैसे सी एच ओ को हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड और सी एच थ्री को हम लोग क्या कह देते थे, एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, अगर जो आर सी आर ओ है तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसीटोन कह देंगे। ठीक है, तो तीन जो है रहेगा। और हम इसी को क्या कहते थे, प्रॉप टू ऑन कहते थे, यानी कि आइपेक लेंगे। अगर एक कार्बन होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, एंट में। इसमें पाया जाता है एंट में। एंट का मतलब समझते हो? हाँ, जो काटती है वो किस, वो कौन सा जहर फैलाती है हमारी बॉडी में, फॉर्मिक। सांप जो काटता है वो कौन सा जहर फैलाता है, फॉर्मिक। फॉर्मिक बिच्छू काटता है, स्कॉर्पियन जो काटा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक। जो चीटी या हो गया अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग होती है सबने, यानी कि किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। सांप सबसे ज्यादा होती है, बिच्छू में थोड़ा कम होता है। चींटी में देखिए थोड़ा सा काटते हैं तो ऐसे रगड़ देने के बाद वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बिच्छू में थोड़ा देर जो है यानी कि चार घंटे छह घंटे के बाद जो है सही हो जाता है, लेकिन सांप का जहर जो है बहुत ज्यादा होता है। सांप क्या करता है, आपके जो है ब्लड कोटिंग करने लग जाता है, जिस कारण से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता। इसीलिए जिसको सांप काटता है उसको कहते हैं कि उसको होश में रखना, बेहोश नहीं हो जाए। बेहोश हो जाता है तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है उसको जगाना। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, होश में। आजकल देखिए अगर जो किसी को सांप काटता हो तो उसको क्या करते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं या कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल। बाबा लोग कहते हैं कि हम लोग जो है 90% जो है क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। एक्चुअल में इसलिए कहते हैं क्योंकि 90% सांप के काटने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। 10% के सांप जो काटते हैं जिससे की मृत्यु होती है, जहरीले सांप जिसको कहते हैं, उनको जो है वो क्या कहते हैं कि हम 90% इलाज करते हैं, 10% सांपों का इलाज नहीं कर पाते हैं। तो अब वो देखिए क्रेडिट कौन ले गया, बाबा लोग ले गए, यानी कि जो सांप जो पकड़ते हैं वो कहते हैं कि हम जो 90% का इलाज करते हैं, जबकि एक्चुअल में कितना का करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। हाँ, वो राम भरोसे रहते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो 10% लोग कैटेगरी में डाल देंगे कि 10% हम लोग जो है रिस्क नहीं लेते। पहले बोल देता है, अगर जब कभी आप लोग छोटे होंगे शायद नहीं गए होंगे, मैं गया था तो कहता है कि 90% ठीक हो जाएगा, 10% जो है ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो किसके लिए कह रहा है कि वो जहरीले सांप काटेगा तो उसका नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहां पर से क्या करना चाहिए, वहां पे एक जो है एंटीडोज रखा रहता है, यानी कि एसिड है तो वो क्या रखते हैं, बेस रखते हैं। अब वो डॉक्टर को कैसे पता कि कौन से सांप ने काटा, तो भर सिरिंज पूरा 200 ml भर के हमारी बॉडी में डाल देता है। अब वो जैसे डालेगा तो कहोगे सर फिर तो फॉर्मिक एसिड से एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है, आपने पहले यूनिट में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन है। एसिड बेस के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, साल्ट बन जाता है। अब कहोगे सर ये बेस हमारे लिए नुकसान नहीं होगा, ज्यादा चले जाएगा, ये बेस हमारी बॉडी के साथ जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जिस कारण से जो है क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में ये इफेक्ट नहीं डालते, ये बेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ओके, अच्छा मैंने आरएक्स वाला तो बताया ही नहीं, आरएक्स वाला नहीं बताया था ना। ओके, अब जैसे मान लेते हैं CH3 एंड यहाँ पे क्लोरो है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो मीथेन कहते हैं। ठीक है, जिस पोजिशन पे होगा उस पोजीशन पे पहले इसको लिख लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन। अगर जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे है, इसकी नंबरिंग यहां से होगी तो क्या हो जाएगा, 1-chloromethane या क्लोरोइथेन हो जाएगा। अब तीन कार्बन है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3, और मैं यहां से एक कार्बन को हटाता हूं और यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, CN, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-chloro-propane। हाँ, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सिमिलरली अगर जब मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या नाम हो जाएगा, बताइए आप लोग, CH
एंड सी एच एंड सी एच थ्री। सबसे पहले मुझे बताइए नंबरिंग किधर से होगा, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से। वेरी गुड, शॉर्ट में मिल रहा है यानी किस प्रकार से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार से कोई कहता है इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। C2H5 को हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, बोलिए। ओके, अब होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होते हैं जिसके अंदर क्या हो, CH2 का डिफरेंस हो या 14 मास का जो है या 14 ग्राम का क्या हो, डिफरेंस हो, उस टाइप के सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्योंकि जैसे सर इसे यहां देखिए, मैंने लिखा CH4। ठीक है, अगर मुझे नेक्स्ट ग्रुप बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, CH2 ग्रुप को जोड़ देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे जिस टाइप का बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि CH2 ग्रुप। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच इच मेंबर डिफर नेक्स्ट मेंबर बाय कांस्टेंट अमाउंट व्हेन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स वेट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक CH2 ग्रुप को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि CH2 को जोड़ेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6। ऐसे मैं लिख देता हूं, मैंने क्या करा CH2 ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। बोलिए होगा कि नहीं, कार्बन यहां जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन तो 6। सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके अंदर कितने का डिफरेंस हो, CH2 का, इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। जिसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है एंड मास कितना होता है, 14 होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे किसी का भी आपको होमोलोगस सीरीज लिखना हो, जैसे मुझे लग कह रहा हो, कोई कह रहे होंगे सर मुझे तो अल्डिहाइड का लिखना, तो बनाइए। ठीक है, तो ये लीजिए अल्डिहाइड। अगर मैंने इसमें CH2 को ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा हमारा, C2, ठीक है, H4 एंड O बन जाएगा। या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H। देखिए अभी भी कितना है, 4 कार्बन 2 कार्बन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, होमोलोगस सीरीज। किसी को भी अगर उसी टाइप के कंपाउंड में जोड़ोगे तो होमोलोगस सीरीज जो है वो क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज अल्डिहाइड में जोड़ोगे तो अल्डिहाइड का होमोलोगस सीरीज आएगा। अब जैसे कीटोन का जोड़ देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब मैंने इसमें किसका जोड़ दिया, CH2। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं भी जोड़ देते हैं, अभी आपको बस यहाँ नहीं बता रहे कि कहाँ जोड़ना है, हम लोग सिंपली कहीं भी जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये दोनों क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो yes, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, yes, को पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इथेन था, CH2 जोड़ दिए, और जैसे जोड़ेगा तो यानी कि कैसा मिलेगा, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के फंक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, अगर इथेन है तो दूसरा भी प्रोपेन होगा, अगर अल्केन है तो ये अल्केन ही होगा, और यहाँ पे जो मास कितने का डिफरेंस होता है, 14 ग्राम का जो है डिफरेंस होता है, इस बात को याद रखिएगा। और होमोलोगस में किसका अंतर होता है, CH2 कार्बन का जो है अंतर हो जाता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। वही यस सर। पॉलीमर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज, अ ग्रेजुएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन, यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इस टाइप के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कह देते हैं। ठीक है, और नॉमिनिक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड मैंने जो ये सारी चीजें आप लोगों को आज सिखा दी है कि किस प्रकार से करते हैं, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, प्रोपेन प्रोपाइन इस प्रकार से मैंने सारी बातें बता दी। क्लोरो जो है यहाँ पे 1 क्लोरो प्रोपेन,
ब्रोमो के लिए जो है वन ब्रोमो प्रोपेन, और सफिक्स अल्कोहल के लिए प्रोपेनॉल, एंड एल्डिहाइड के क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। एक बार आप सभी को पढ़ के आइएगा। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। आप सभी ने देखा होगा बेंजीन को हम लोग C6H6 के नाम से जानते हैं। बेंजीन को हम किस नाम से जानते हैं? C6H6। अगर ये जो है ना इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम ओपन करके लिखें तो कैसा दिखता है? कुछ इस प्रकार से दिखता है। हर जगह डबल बॉन्ड है और हर जगह पे कार्बन जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना कार्बन हो जाएगा? एक। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक। और यहाँ भी कितना? एक। और यहाँ भी एक। इसका राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? सी फर्स्ट यहाँ पे नहीं है ना, और एक कार्बन जोड़ यानी किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिमिलर कैसा यानी किस प्रकार से। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।